हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको ये बताया गया था कि परागण होता क्या है और अजैविक कारकों के द्वारा हम परागण की क्रिया को एक्सप्लेन किए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जंतु परागण एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये पॉइंट बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतमंद है और साथ ही साथ हम देखें ये डायरेक्ट कुछ तीन चार पॉइंट लिखेंगे जो कि एग्ज़ाम में नीट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जनरली ये पूछ लेता है, तो आपको ये एज इट इज़ ध्यान भी रखने हैं, ठीक है ना। तो आइए टॉपिक का नाम लिखते हैं जंतु परागण, यानी हम देखें जंतु परागण। और जंतु यानी एनिमल पॉलिनेशन इसका भी नाम दे देते हैं, या फिर इसको ज़्यादा अच्छे टेक्निकल वर्ड में जू पॉलिनेशन बोल देते हैं। जू का मतलब एनिमल और पॉलिनेशन, यानी हम देखें, यानी हम यहाँ से देखें तो इस वर्ड अपने आप, ये जो वर्ड है ये वर्ड अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है कि परागण की वह क्रिया जो जंतुओं के द्वारा होती है जंतु परागण कहलाती है। जरा देखिए नाम में ही काम छुपा हुआ है, तो हम बोलेंगे परागण की वह क्रिया जो जंतु के माध्यम से संपन्न होती है, या फिर वह परागण जो जंतुओं के द्वारा कराया जाता है जंतु परागण कहलाता है। यानी हम बोलेंगे परागण की वह विधि, परागण की वह क्रिया जो जंतुओं द्वारा संपन्न होती है, जंतुओं द्वारा संपन्न होती है जंतु परागण कहलाती है। यानी हम यहाँ से देखें जंतु परागण को एक्सप्लेन करना बिल्कुल आसान रहा। वैसे ना बायोलॉजी में अधिकांश ऐसे शब्द होते हैं जो आपको उसका यदि मीनिंग पता है तो उससे संबंधित अधिकांशतः चीज़ें आ जाती हैं। तो देखिए जंतु परागण को एक्सप्लेन किया, अब ज़रा देखिए एक चीज़, आप ज़रा देखिए ना कोई भी चीज़ जो होती है ना, जैसे मान के चलिए एक पुष्प है, एक हम पुष्प बनाए हैं, ज़रा देखिए ये हम कोई पुष्प बना रहे हैं और इस पुष्प पे हम बात करें, यहाँ पे ये आपका नरभाग है यानी परागकोष। अब सोचें यहाँ पर कोई तितलियाँ या फिर भौड़े मधुमक्खी वगैरह यहाँ पर आकर के बैठा, मान लीजिए ये यहाँ से ये भौड़ा यहाँ आकर के बैठा, क्लियर है क्या। अब सोचिए ये यहाँ आकर के क्यों बैठेगा, इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे ये रीजन है कि सर ये पुष्प, इसको ये फूल जो है इस कीड़े को अच्छे लगे होंगे, या फिर इसके सुगंध अच्छे लगे होंगे, या फिर इसमें कुछ ऐसा पार्ट होगा जिसको खाने के लिए ये इंसेक्ट यहाँ पहुँचा होगा। यानी कोई ना कोई कारण होगा जिसके कारण से ये पुष्प जो है ना इस जंतु को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और आकर्षण करने के बाद ये किसी दूसरे पुष्प पर वापस गए, तो इसके पैर वैर में यहाँ से परागकण सट गया और दूसरे पुष्प पर जा करके यहाँ पर स्थानांतरित हो गया। ज़रा देखिए यहाँ से हम बात करें, ये जो है ना इसी जाति के दूसरे पुष्प पर यहाँ आ करके अब यही क्या होगा, यहाँ से अब यही यहाँ से उड़ा और हम बोले तो ये पुष्प का मादा भाग हुआ, और इस मादा भाग पे आकर के यहाँ देखिए ये पुष्प का मादा भाग हुआ, इस मादा भाग पर आकर के ये इंसेक्ट यहाँ पर बैठ गई। ये इंसेक्ट जब यहाँ पे बैठेंगी तो इसके पैर में पंख में परागकण आएगा। अब देखिए ये परागकण जो था यहाँ पर, इसमें परागकण सट गया था और ये परागकण इजिली यहाँ पर आ गया। तो जरा देखिए ये हुआ क्या, यहाँ पर हम ये देखें जो सर यहाँ से परागकण लेकर के ये इंसेक्ट यहाँ तक आया है कि नहीं है, और परागण की क्रिया क्या हो गई, संपन्न हो गई। यानी हम देखते हैं सर जिसमें भी जंतु परागण होगा उस पुष्प के लिए हम कुछ बात करते हैं, क्लियर है क्या। आइए इसको मिटाते हैं, आप लोग तो समझ लिए, डायग्राम बना लीजिएगा। चलिए अब देखिए यहां से हम बात करते हैं पुष्प की अनुकूलताएं, पुष्प की अनुकूलताएं की बात करें। आप एक चीज समझिए यहां से, जंतु परागण जिसमें भी होगा ना उसके पुष्प में क्या क्या अनुकूलताएं मिलेंगी, वो पुष्प कैसा होगा। हम देखें जंतु परागण सामान्यतः वैसे पुष्पों में होता है जो रंगीन आकर्षक तथा आकार में बड़े होते हैं। अब रंगीन आकर्षक होगा तभी तो उस पर जाकर के इंसेक्ट आकर्षित होगा ना, तो हम बोलेंगे पुष्प जो होंगे वो क्या होगा, रंगीन आकर्षक बड़ा एवं बड़ा मकरंद युक्त एवं
चटकीला। अब जरा देखिए, हम बात करें रंगीन विभिन्न, मतलब बहुत सारे रंगीन पुष्प होंगे जो कीड़े मकोड़े को, इंसेक्ट को अच्छा लगेगा, आकर्षक होगा, बड़ा होगा, मकरंद युक्त होगा, चमकीला होगा, सुगंधित भी होगा। हम बात करें ये सुगंधित भी हो सकता है, क्लियर है क्या? अब जरा एक चीज देखिए, कुमार विश्वास की एक बड़ा अच्छा पंक्ति है, बहुत अच्छा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तू तो मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। इसी तरह से हम देखेंगे, ये जो है ना इंसेक्ट समझ लेता है पुष्प को, सुगंधित, आकर्षक, मदहोश हो जाता है और उसके ऊपर आकर्षित हो जाता है। आकर्षण के होने के बाद वो किसी दूसरे पुष्प पे जाएंगे और यहाँ से परागकण को लेकर के चला जाएगा, क्लियर है क्या? फिर देखें, ये तो पुष्प की अनुकूलता बताए, फिर यहाँ से हम बताते हैं परागकण की अनुकूलता। पराग कण की अनुकूलताएं, अब देखिए परागकण की क्या अनुकूलताएं होंगी इसको समझते हैं। अब जरा सोचिए, यदि परागकण सूखा होगा, बिल्कुल ड्राई, तो क्या ये जो इंसेक्ट हैं उसके पैर में, पंख में वो चिपक पाएगा क्या? नहीं चिपक पाएगा। इसलिए हम देखें, जिसमें भी जंतु परागण होता है, ऐसे पुष्प थोड़े से जो है ना स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, ताकि वह इंसेक्ट के पैर में फंस सके। तो हम बोलेंगे परागकण की अनुकूलताएं, यह पड़ा एवं चिपचिपा होता है, चिपचिपा होता है, जिसके कारण परागकण जंतुओं के शरीर के साथ चिपक जाता है, चिपक जाता है, क्लियर है क्या? और जैसे ही ये चिपक गया तो क्या होगा, ये स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह आसानी पूर्वक चला जाएगा। फिर देखिए एक चीज और बताते हैं यहां से, इंसेक्ट को फायदा क्या होता है कि नहीं है? हम बोलेंगे पारितोषिक। एक चीज देखिए, यदि आपको ना हम अच्छा पढ़ाएंगे तभी आप मेरे वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप क्या कीजिएगा, बिना पूछे एकदम डिसलाइक का बटन दबा दीजिएगा, खट से अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल का, हो सकता है। यानी हम बात करते हैं इसी तरह से, इंसेक्ट को जब तक कोई फायदा नहीं होगा तब तक तो ये पुष्प के ऊपर जाएगा नहीं। अब फायदा क्या होता है, पारितोषिक के रूप में क्या देता है, उपहार के रूप में क्या देता है, तो पुष्प हो सकता है मकरंद दे दे, परागकण। तो हम देखेंगे पारितोषिक, रिवार्ड इसको बोलते हैं, पारितोषिक। तो हम बोलेंगे पुष्प जंतुओं को पारितोषिक के रूप में मकरंद दे सकता है, परागकण दे सकता है, पारितोषिक। तो हम बोलेंगे पुष्प परागकर्ता को पारितोषिक के रूप में मकरंद, पारितोषिक के रूप में मकरंद दे सकता है, खाने के लिए परागकण इत्यादि देता है, क्लियर है क्या? अब जरा एक चीज ऐसा सोचिए, क्या सभी जंतु मकरंद खाने के बाद परागण करा देता है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे भी परागण होते हैं जो मकरंद तो ले लिया लेकिन हम बात करेंगे परागण नहीं कराता है। मकरंद ले लिया परंतु परागण नहीं करा रहा है, यानी कुल मिलाकर के वो होता है पराग दुष्य। हम बात करते हैं यहां से पराग दुष्य की, ये होता क्या है पराग दुष्य? तो हम कहेंगे वैसे जंतु जो पुष्प के भागों का उपयोग कर लेता है परंतु परागण नहीं कराता है, पराग दुष्य कहलाता है। तो हम बोलेंगे वैसे जंतु जो पादप के भागों, ब्रैकेट में मकरंद,
परागकण का उपयोग कर लेता है, उपयोग कर लेता है, परंतु परागण नहीं कराता। यदि हम देखें एक पराग दूस्य देखें, हम बोले वैसे पराग करता जो पादप के भागों का उपयोग तो कर लेगा, लेकिन हम बात करेंगे ये परागण नहीं कराएगा, क्या कहलाएगा? पराग दूस्य कहलाएगा। चलिए तो इतने सारे पॉइंट देखें, उसके बाद यहां से हम देखेंगे, ये तो हम देखें परागकण की अनुकूलता यहां पर देख लिए, अब जरा देखते हैं वर्तिकाग्र कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये जो हम देखें ये पराग कोश है, यहां से परागकण निकलेंगे और कहां जाएगा? वर्तिकाग्र के ऊपर जाएगा, और जब ये वर्तिकाग्र के ऊपर जाएगा तो यहां जाएगा ना, तो हम बोलेंगे ये जो है वर्तिकाग्र की अनुकूलता देखते हैं, वर्तिकाग्र की अनुकूलताएं, यानी हम देखिए वर्तिकाग्र की क्या अनुकूलता होगी, तो हम बोलेंगे ये भी थोड़ा बड़ा होगा और चिपचिपा होगा, हम बोलेंगे बड़ा एवं चिपचिपा होता है, क्लियर है क्या? बड़ा एवं चिपचिपा होता है, क्लियर है क्या? इतना आप लिखिए, फिर हम अगला पॉइंट यहां से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए यहाँ पे हम कुछ टेबल टाइप बनाया है, इसमें आप देखेंगे एक तरफ हम लिखे हैं जंतु का नाम और दूसरी तरफ उसको किस परागण के नाम से जानते हैं, क्लियर है क्या? ये सारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्टली आपको याद कर लेना है, वो डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा। आपसे यदि ये पूछता है कि जब परागण की क्रिया कीट द्वारा होती है तो ऐसा परागण क्या कहलाता है? एंटेमोफिली कहलाता है, क्लियर है क्या? फिर बात करते हैं पक्षी के द्वारा परागण को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली बोलते हैं। चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? क्रिप्टेरोफिली बोलते हैं। और जब परागण की क्रिया घोंघा के द्वारा होती है तो मेलेको या मेलमेकोफिली बोलते हैं, और जब सांप के द्वारा परागण होता है तो ऑफियोफिली बोलते हैं। जरा देखिए कुछ यहाँ से विशेष बिंदु हमें ध्यान रखने हैं, जैसे कीट के द्वारा जब परागण होगी तो पुष्प कैसा होगा? जब कीट के द्वारा परागण होगी तो पुष्प का रंगीन तथा मकरंद युक्त होना आवश्यक है, तो हम बोलेंगे यहां से पुष्प का रंगीन एवं मकरंद युक्त होना आवश्यक है, यानी हम बोलेंगे कीट परागण तभी संभव होगा जब पुष्प रंगीन होगा और साथ ही साथ मकरंद युक्त सुगंधित पुष्प होगा, तभी जाकर के परागण की क्रिया कीट के द्वारा संभव हो पाएंगी। जैसे आप देखें जब फरवरी का मौसम होता है, फरवरी का महीना जब होता है, जब सरसों में फूल लगने लगते हैं, तो उस समय आप देखिएगा यदि आप चटकीले कपड़े पहनेंगे, लाल पीला खास करके पीले रंग का यदि आप कपड़ा पहन के खेत के तरफ घूमेंगे तो पता चलेगा बहुत सारे इंसेक्ट्स आपके ऊपर आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि इंसेक्ट्स को कलर पसंद है पीला, चाहे वो फूल हो या कपड़ा हो, जनरली तो सरसों का रंग फूल का रंग पीला होता है तो उस पर आकर्षित होते हैं, लेकिन यदि आप गुजरिएगा रास्ते से तो उस इंसेक्ट को लगेगा भाई ये मेरा रंगीन फेवरेट कलर होता है येल्लो, तो येल्लो पे वो आकर्षित हो जाता है, यानी रंगीन होना आवश्यक है। फिर देखें यहाँ से पक्षी परागण के लिए, पक्षी परागण तभी होगा जब पुष्प बड़ा होगा, यदि पुष्प छोटा है उस पर पक्षी बैठेगा कैसे भाई? तो हम देखेंगे पक्षी परागण वैसे पुष्पों में होता है जिसका आकार थोड़ा बड़ा होता है, हम बोलेंगे पुष्प का आकार बड़ा एवं गंध युक्त होना आवश्यक, यानी हम देखेंगे पक्षी परागण कब होगा? जब पुष्प का आकार बड़ा होना चाहिए और साथ ही साथ कुछ गंध होना चाहिए। देखिए एनसीईआरटी का एक पॉइंट है यहाँ से, एक एमोरफिनस पादप के फूल जो होते हैं वो सबसे बड़ा होता है, यानी हम बोलेंगे एमोरफिनस पादप का पुष्प सबसे बड़ा 6 फीट का होता है, यानी हम देखें एक पादप है जिसका नाम है एमोरफिलस पादप और इसके जो पुष्प होते हैं अभी तक के सबसे बड़े पुष्प देखे गए हैं, लगभग 6 फीट इसके फूल होते हैं, 6 फीट बड़े फूल होते हैं। देखिए चमगादड़ के लिए हम बात करते हैं, जब चमगादड़ के द्वारा जब परागण की क्रिया होगी तो ऐसे परागण का नाम देंगे क्रिप्टेरोफिली, और देखिए चमगादड़ के लिए पुष्प का रंगीन होना आवश्यक नहीं है,
चमगादड़ तो रात में निकलते हैं, शाम में निकलते हैं, तो पुष्प का रंगीन होना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन गंध होना चाहिए सरे हुए फल वाला। जैसे जब मक्खी के द्वारा परागण होगी तो मक्खी कैसे पुष्प पे जाएंगे, वो पुष्प जो दुर्गंध निकालता है। तो इसी तरह से चमगादड़ से जब परागण होती है तो वैसे पुष्प में होगी जिसके पुष्प दुर्गंध रिलीज करते हैं। यानी हम बात करेंगे पुष्प का रंगीन होना आवश्यक नहीं, पुष्प का रंगीन होना आवश्यक नहीं। यानी हम देखेंगे जब चमगादड़ जब परागण में मदद करेगा तो पुष्प का रंगीन होना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे दुर्गंध युक्त होना चाहिए, सरे हुए फल का दुर्गंध आना चाहिए। तो हम बोलेंगे ये कैसा होना चाहिए, दुर्गंध युक्त। जैसे हम देखें गुलाब सुगंधित होता है, क्या गुलाब में चमगादड़ के द्वारा परागण होगी, क्या नहीं होगी। तो जिसमें दुर्गंध महकता हुआ गंध आएगा उसमें चमगादड़ के द्वारा परागण होगी। अब देखिए घोंगा के लिए परागण, तो जनरली आप देखेंगे बरसात के मौसम में छोटा छोटा घोंगा होता है, स्नेल जिसको बोलते हैं, जो गार्डन में जनरली हम देखेंगे घास के ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ते रहता है और चढ़ करके वहां पे परागण करा देगा। क्योंकि वो घोंगा जो होता है ना, उससे लसलसा कुछ पदार्थ निकलते रहता है, जिसके कारण जहां भी वो जाएगा, जैसे यहां से ये मेरे हाथ को देखिए, और ये मान लीजिए कोई परागण है यहाँ से, अब मेरा हाथ को घोंगा मान लीजिए या फिर इसको घोंगा मान लीजिए, अब घोंगा इसके बगल से जाएगा घास के बगल से, तो इसका शरीर चिपचिपा होने के कारण ये परागण इसमें सट गया, फिर अगले पादप के ऊपर जाएगा तो फिर सट जाएगा, ये परागण की क्रिया हो जाएगी। तो घोंगा के द्वारा जब परागण होता है तो नाम देते हैं इसका मैलेको या मेलमेकोफिली नाम देते हैं। फिर सांप की बात करें, सांप के द्वारा जब परागण होता है तो ऑर्निथोफिली बोलते हैं, चंदन का पेड़ का नाम सुने होंगे, उसमें सांप लिपटे होते हैं तो ये परागण की क्रिया करा देगा, या किसी और भी पादप में ये सांप के से परागण हो जाएगा तो नाम देंगे ऑफियोफिली। ये 1 2 3 4 5 कम से कम आपको 5 ध्यान रखने हैं, ये सारे वैसे पॉइंट बताए गए हैं जो डायरेक्टली आपको ध्यान ही रखना है। चलिए एक पॉइंट और हम देखते हैं, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। देखिए ये है क्या, जनरली आप देखेंगे कुछ ऐसे इंसेक्ट भी होते हैं जिसमें, जैसे आप सिंपली यहां पे देखिएगा, ये कोई हम बनाए पुष्प बना लिए, क्लियर है क्या, मान लीजिए ये कोई हम पुष्प बनाए, ठीक है ना। अब देखें इस पुष्प के अंदर कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, मान लीजिए कोई यहां पे चलाया इंसेक्ट, ये इंसेक्ट, और ये अंडा रख दिया, ये अपना यहां पे देखेंगे ये अपना अंडा दे दिया, अंडा। यानी हम देखें कुछ ऐसे पादप होते हैं जिसमें परागण एक विशेष प्रकार की, एक विशेष प्रकार के इंसेक्ट के द्वारा ही होता है, यानी एक विशेष प्रकार के कीड़ा के द्वारा ही। जैसे देखिए ये मौत है, ये हम बात करें मौत, और ये पादप है युक्का, तो हम बात करेंगे युक्का पादप है ये, यानी युक्का पादप में यदि परागण की क्रिया होगी तो मौत के द्वारा ही होगा। ऐसा कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे मौत की, देखिए इसमें क्या पुष्प के अंदर मौत को जाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। अब देखिएगा ये मौत जो है ना, ये बंद प्रकार का पुष्प होता है युक्का का, और इसके अंदर वो मौत जो यंग मौत होता है ये अंदर चला गया और ये अपने अंडे को यहाँ पे रख दिया। अंडा को इसलिए रख दिया क्योंकि यदि दूसरी जगह रखता तो इसे हानि होती, कहीं दूसरे पे कोई दूसरा इंसेक्ट इसके अंडे को खा जाता, इसके लिए इसके अंडे को यहाँ पे सुरक्षित रख देता है। जब यहाँ पे सुरक्षित रख दिया तो ये अंडे, अब ये इंसेक्ट यहाँ से निकल गया, अब ये अंडा धीरे धीरे लार्वा में बदलेगा, और ये अंडा से जब लार्वा बनेगा तो यहाँ से पुष्प वाले सामान को खाएगा, और खाने से यहाँ जो अंदर में जो पुष्प था ये पुष्प परागण करा लिया। यानी हम बात करें युक्का में हमेशा परागण मौत के द्वारा होता है। हम देखें कुछ ऐसे भी पादप होते हैं, कुछ पादप में परागण की क्रिया, विशेष प्रकार के, कीटों द्वारा होती है, जैसे युक्का, में मौत के द्वारा, किसके लिए, तो यहां से हम बोलेंगे अंडे को सुरक्षित रखने के लिए,
अंडों को सुरक्षित रखने के लिए। क्लियर है क्या? देखिए हो सकता है हर शिकार दुर्गीकार प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। जरा देखिए यहाँ पे इस तरह से ये हम देखें परागण की क्रिया, आपको जंतु परागण खत्म किए। यदि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, यदि समझ में आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा निषेचन की क्रिया। तब तक के लिए धन्यवाद।